भाई साहब इस शहर की मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। वो भाई साहब आंखें इसकी चेक करें, ये चेक करें, पूरा शहर इन्होंने सजाया हुआ है सजावट के साथ। ये अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले सब खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल शब्बू देख रहे हैं, तो आज का ब्रांड न्यू व्लॉग करते हैं यहाँ से शुरू। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग। भाई साहब वो कैसे, आपका भाई पहुंच चुका है मुजफ्फराबाद सिटी में। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये चेक करें भाई साहब, ये सारा आपको मुजफ्फराबाद शहर नज़र आ रहा होगा। और ये भाई ये किला है बहुत पुराना, इसका भी आपको टूर करवाते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये ब्रिज है, ये हमारा छोटा सा सिटी है, ये भी आपको दिखाते हैं। और इस जगह का नाम है चेला, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। जहाँ किधर रहे हैं भाई साहब वो भी आपको बताते हैं। उठे हम अभी अभी हैं, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। लेकिन इस बिल्डिंग के साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, दिल खुश हो गया मेरा कि इस सिटी में इस तरह की चीज़ जब मुझे देखने को मिली ना भाई साहब। भाई साहब ये एक यहाँ पे नल है, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं यहाँ पे नहा रहे हैं। कैसे हैं आप? ठीक। ये जो नल लगा है यहाँ पे, अब हम नहाएंगे, जरा फ्रेश होंगे। आज स्पेशल डे है, वो क्यों है वो डे भी आपको बताते हैं। शर्ट मुझे मजबूरन उतारनी पड़ेगी, शर्ट पहन के तो मैं नहा नहीं सकता, इस वजह से आपने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। भाई साहब आप बैग दिखाते हो, सिक्स बैग अपनी, ऐसी बात नहीं है यार, वो अलग बात है, थोड़े बहुत हैं। और बच्चों आप नहीं नहाते? 1 2 3 लेट्स गो भाई साहब। ये साफ पानी है, पीने का भी पानी है। सुनने में ये आया है गर्मियों में ये बिल्कुल ठंडा होता है और सर्दियों में ये बिल्कुल गर्म होता है। तो बच्चे भी नहा रहे हैं, बच्चों के साथ हम भी नहाएंगे। नहा के भाई साहब हम रेडी होते हैं। रेडी होकर कहाँ चलना है भाई साहब वो आपको मैं बताता हूँ। और इस सिटी में आया मैं क्यों, ये भी मैं आपको बताता हूँ। बेटा मैं क्यों आया हूँ इधर नहीं पता आपको। फ्रेश वगैरह होते हैं हम यहाँ से, फिर यहाँ से हम चलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। साहब मैं कैसे आपको कहता था कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है कि आज 12 रबी अव्वल है। जैसा कि बैक साइड आपको ये आवाज भी आ रही होगी, ये बिल्कुल यहाँ पे सजावट वगैरह की है लोगों ने, बड़ा सजाया हुआ है इस शहर को। रात को और ज्यादा आपको खूबसूरत देखने को ये मिलेगा, रात को भी दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है अभी भी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे रश बड़ा है। जो मेन रैली थी वो थी यहाँ से चली गई, जो ही आती है वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब हमारी जो रिहाइश थी ना भाई साहब वो थी बिल्कुल यहाँ पे, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे मेरी रिहाइश है। जो चीज मैंने आपको दिखानी है ये तो अभी भाई साहब मैंने अभी अभी वीडियो शुरू की है, जो आगे आपको दिखाना है वो क्या है भाई। अभी मैं मौजूद हूँ हमारे आज़ाद कश्मीर का जो कैपिटल है, जैसे कि पाकिस्तान में कैपिटल इस्लामाबाद है, ऐसे हमारे कश्मीर में कैपिटल जो है वो मुजफ्फराबाद है। अभी मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद हूँ और मुजफ्फराबाद की अब ये चीज़ चेक कर, ये बहुत पुराना है। कितना ही पुराना है भाई जान? हिंदू दौर का। इसकी तारीख का मुझे नहीं पता, अभी हम कहीं जाके गूगल वगैरह करते हैं फिर हमें इसका पता चलेगा। बहरहाल जो मेन चीज़ आपको दिखानी थी, हम जा तो रहे हैं उधर ही, ये है मेन किला। इस किले का कोई नाम है जी, इस आपको पता है? इसको रेड फोर्ट कहते हैं, रेड फोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, इस किले को रेड फोर्ट। अभी तक चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और घंटी का जो निशान है उसको भी आपने उखाड़ के फेंक देना है भाई साहब। हर जगह से आपको रैलियां देखने को मिलेंगी। ये है रेड फोर्ट, अभी ये थोड़ा सा डैमेज हुआ था, अभी इसकी मरम्मत हो रही है यहाँ पे नई थोड़ी सी। अभी मैं आपको ये रैली दिखाता हूँ, कितनी एक बड़ी रैली है भाई साहब। आगे आगे पुलिस है, आगे आगे पुलिस है और पीछे पीछे आवाम है माशाल्लाह। ये देखो माशाल्लाह भाई साहब, ये जगह ये वैसे ठीक है भाई साहब। ये रैली आ रही है मेरे बैक साइड, आप तो सही नजर आ रही है, बड़ा ही नजर आ रहा है भाई साहब। ये चेक करें, बड़ी एक रैली है। अल्लाह
बड़ी रैली है, ये चक्कर है। बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं वीडियो बना बना के थक गया हूँ भाई साहब। जहाँ पे पुलिस, आप देख सकते हो ये पुलिस की जो मोबाइल है, मोबाइल ही उन्होंने बिल्कुल यहाँ में दरमियान में खड़ी की है, क्योंकि भाई साहब इधर से जो ट्रैफिक है इसको ब्लॉक किया गया है ताकि ये जो रैली है ये आसानी यहाँ से गुजर सके। अब अभी तो ये बाइक वगैरह आगे चले गए, गाड़ियाँ तो पीछे पीछे आई। अच्छा भाई साहब, अब गाड़ियों की रैली है, काफी ज्यादा बड़ी गाड़ियों की भी रैली है, लेकिन वो पीछे आहिस्ता आहिस्ता से आ रही है। ये बैंक है भाई साहब, इस बैंक पे हमने जाना है। क्यों जा रहे हैं भाई साहब? कुछ गुड न्यूज आपको आने वाली है भाई। बने बोले भाई साहब, भाई साहब यहाँ इस बैंक में जो हमारा काम था वो तकरीबन आधे से ज्यादा हो चुका है, थोड़ा बहुत रहता है भाई साहब। जब पूरा होगा ना यकीनन आपको खुशखबरी मेरी तरफ से मिलनी है, लेकिन अभी मैं भी लगा हूँ भाई साहब प्रोसेस में कब तक ये होता है। जितना बेचैन मैं हूँ मुझे लगता है उतने ही आप भी होंगे, लेकिन उम्मीद है जल्दी ही कुछ खुशखबरी आपको देखने को और सुनने को मिलेगी। इतने रश है और गर्मी इस शहर में, मैं आपको अल्फाज में बता ही नहीं सकता। बैंक में जो हमारा काम था वो तो आधा मुकम्मल हो चुका है, आधा रहता है भाई साहब। लेकिन बैंक से हम निकल के सीधा आए हैं कहाँ पे भाई साहब, ये चेक करें। मेरे बैक साइड आप ये रेत का ढेर देख सकते होंगे, और ये मशीन भी लगी है भाई साहब। ये हमारा एक बंदा गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये कज़न है अपना ना, तो ये यहाँ पे ये लोग घर बना रहे हैं ना, तो उसके लिए इनको इस तरह की बजरी चाहिए, और यहाँ पे बजरी का ढेरों के हिसाब शुमार किया जाए ना तो कम है भाई साहब। यहाँ पे मशीन वगैरह लगी है, यहाँ से हमने बजरी लेके जाना है। तो अभी यहाँ से अभी डिसाइड नहीं किया, तो का जो पानी गुजर रहा है यहाँ से ना भाई साहब बड़ा गंदा है। इस शहर में आया हूँ भाई साहब, एक चीज़ मुझे यहाँ थोड़ी सी वो अच्छी नहीं लगी, यहाँ पे ना कचरा बहुत ज्यादा है भाई साहब। यहाँ आके ना मुझे नीलम वैली की बड़ी याद आ रही है भाई। भाई साहब इस शहर की मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही, आधी गाड़ियाँ इस साइड से आ रही हैं, आधी उस साइड से, मतलब कोई डिसिप्लिन ही नहीं है यार भाई। हम यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ से चलते हैं। हाय हाय, लाइटिंग आप देख रहे हो भाई साहब, ये 12 नवी नवल है, उसके लिए ये लाइटें वगैरह लगाई है यहाँ पे। जिस पुरानी जगह हम गए थे वहाँ पे हमें रेत कोई अच्छी नहीं लगी, जिसकी वजह से हमने वो स्किप कर दी। अब भाई हम इस जगह पे, यहाँ की रेत कैसी है भाई जान? बस मेरी जान ये प्यारी है, सही है। ये रेत ठीक है बनिस्बत उसकी जो मैंने पीछे आपको दिखाई, वो ठीक नहीं थी, अलबत्ता ये वाली ठीक है। मैं भी शायद यहीं से लेके जाए। रेत वगैरह हमने अनलोड की थी, अनलोड नहीं सॉरी भिजवा दी थी, ऑर्डर दिया था, वो थोड़ी देर तक पहुंच जाएगी। अभी लगी है भूख, पहले सबसे पहले खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पे भी बैठने की जगह है, यहाँ फैमिली बैठती, यहाँ से अगर बंदा किसी अपनी फैमिली मेंबर को भी साथ लेके आए तो यहाँ इजीली बैठ सकते। खाना वगैरह हमारा लग चुका है, जिसमें हमने मंगवाई है पता नहीं क्या मंगवाई। जान क्या मंगवाया जी? टिक्का कढ़ाई मेरी जान। भाई साहब ये है टिक्का कढ़ाई, अब पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा, बिस्मिल्लाह करते हैं। भाई साहब रोटियाँ देखे भाई साहब, बिल्कुल कागज नहीं होता, कागज की तरह ये कितनी बारीक रोटियाँ, ये चेक करें भाई। यहाँ पे हम खाते हैं क्योंकि ये कम होगी, हमने और एक मंगवाई है। सबसे पहले इसका टेस्ट चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह आप दिखाए ना भाई, बताओ मेरी जान कैसी लगी? मजे की वीडियो के लिए मैंने मजे की,
वाकई में अच्छी हुआ है, लेकिन आप ये इंजॉय करते हैं। हम भाई साहब एक कढ़ाई हमने मंगवाई थी वो हम खा बैठे हैं, अब हमने दूसरी मंगवाई है। भाई साहब दोबारा से हमने कढ़ाई दोबारा से मंगवाई है, क्योंकि एक पहले मंगवाई थी वो कम हो गई, अब दोबारा से हमने मंगवाई है। अब ये खाते हैं फिर चलते हैं जहाँ पे रौनकें लगी है, 12 रबीउल अव्वल की जहाँ पे रौनकें लगी है वहाँ पे चलते हैं। अब ये भी खाते हैं, खाना खा के हम निकले। ये चेक करें, हेलो काटते तो नहीं है भाई, ये काटते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वो भाई साहब आंखें इसकी चेक करें, ये चेक करें, ये क्या मादी है? मादी ये नर है। अच्छा क्या नाम है? हाँ आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम शोभू है, शोभू SHOWBOO। बाकी आपके ये डॉग है छोटे छोटे से क्यूट, मुझे नाम नहीं आते इनके, लेकिन बहरहाल बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल आपकी तरह हैं। आप भी माशाल्लाह बहुत क्यूट हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से भाई साहब ये है मेन मार्केट जो है इस शहर की, मतलब मुजफ्फराबाद की जो मेन मार्केट है ये भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा सजाई गई है, लेकिन अभी रात होने की वजह से सही नज़र नहीं आ रही। ये रौनकें ना सुभान अल्लाह, इस बाजार को सजाया गया है क्योंकि भाई साहब 12 रबीउल जो कल है इसलिए सजाया गया है। लाइटिंग की हुई है इन्होंने ना आउट क्लास, ये चेक करें, पूरा शहर इन्होंने सजाया हुआ है सजावट के साथ, ये चेक करें। ठीक है जी भाई जान, इन्होंने यहाँ पे हमें ड्रॉप किया है, बाय बाय, अल्लाह चले जाएं। तो अब चलते हैं हम अपनी दूसरी मेन लोकेशन की तरफ जहाँ पे हमारी रिहाइश है। आपने देखा होगा कि पूरा शहर सजा हुआ है, लाइटें आपको नजर आ रही है पूरे शहर में। भाई साहब आए हम रूम में जहाँ पे हमारी रिहाइश है वहाँ पे पहुँचे। एक बात मैं आपको बता दूँ भाई साहब, 12 रबीउल अव्वल कल है, ये रात का फंक्शन था, कल भी बड़ा फंक्शन होने वाला। आज का व्लॉग करता हूँ यहीं पे, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते कैसी मजेदार वीडियो में, तब ना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। तो मुझे दें तब तक के लिए इजाजत, तो अल्लाह हाफिज़।